जबलपुर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हत्याओं का आंकड़ा। रांची थाना अंतर्गत स्थित रामनगरा पार्क के पास शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। अरे यहाँ पता नहीं कौन लेके आया, कौन नहीं। 50,000 रुपए रखा था जेब में, मोबाइल रखा था बड़ा वाला। सबकी बात है ये? अरे कल शाम को 7:30 बजे की बात है। किसके ऊपर सजा रहा आप लोग को? पता नहीं कौन है। अभी 12 बजे फोन आया, हम लोग 12 बजे फोन किया ना। साल हो गया, मेरा आदमी लापता है। मैंने पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ। मेरा बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कल की बात है, 7:30 बजे की बात है। 7:30 बजे आया है। 100 रुपए मंगा मम्मी से, बोले मम्मी 100 रुपए दे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। अच्छा। उसके बाद ही पता कि वो यहाँ पर आएगा। किसी रॉयल हंड्रेड पाल और जबलपुर तथा ये थाना रांची क्षेत्र अंतर्गत रामनगर और मैं स्थित हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाजू में ये जो पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में काम कर रहा है। यहाँ पर तैनात चौकीदार करण ठाकुर ने फोन द्वारा सूचना दी थी, किसी व्यक्ति की यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है। और सूचना पर तुरंत हम स्टाफ के साथ पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराए गए। मौके पर देखा तो एक व्यक्ति की जो है चित्त अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सिर में चोट लगी हुई थी, दो पत्थर वगैरह पड़े हुए थे वहाँ। उससे अंदाज लगाया गया कि जो है इसकी किसी दोस्तों ने यहाँ पर इनकी हत्या की। अभी तक जो है अज्ञात में ही था ये, और आसपास के लोगों से और आसपास घटनास्थल के आसपास तलाश की, मोटरसाइकिल का भी मिली है। उस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर हमने जो है जो नाम आया उससे ज्ञात हुआ कि ये गोकलपुर में अभी इधर COD में सर्वेंट क्वार्टर वगैरह में रहते हैं। इस तरह से जानकारी जुटाते हुए अज्ञात से ज्ञात में आई और मृत्यु का कारण और किन लोगों ने मृत्यु